आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फेस्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बारिश ने नगरपालिका परिषद के सफाई अभियान की पोल खोल दी। नालियां चौक होने से शहर के प्रमुख मार्गों के अलावा कई मोहल्लों में जलभराव हो गया। वहीं खुर्जा नगर पालिका क्षेत्र के मुरारी नगर बोरोली रोड पर लोगों ने सड़क पर कीचड़ में खड़े होकर नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। नाला चौक होने के चलते सड़कें पर कीचड़ भर आई है, जिसके चलते लोगों का कहना है कि सड़क को कीचड़ में ढूंढना पड़ रहा है। कीचड़ भरने से राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि गाँव में अगर हमारे बच्चे की कोई शादी के लिए देखने वाला आता है तो गाँव के रास्ता देकर वापस चला जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री से पोर्टल पर कई बार शिकायत के बाद भी आज तक सफाई नहीं कराई गई है, जबकि उसका जवाब लिपा पोती करते हुए कागजों में दिया जाता है। खुर्जा नगर पालिका खुद को सफाई के नाम पर कितने भी कागजी दावे कर ले, लेकिन शहरवासियों को सफाई न होने से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे आने वाले दिनों में मानसून दस्तक देगा तो लोगों का जीना और भी दुर्लभ हो जाएगा। एक दिन पूर्व हुई बारिश ने नगर पालिका के नालों के अभियान की फिर पोल खोल कर रख दी है। खुर्जा नगर पालिका खुद को स्वच्छ सर्वेक्षण में अव्वल लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। वहीं एक तरफ शहर से अभी तक का नालियों को भी साफ नहीं रखा जा रहा है। बुलंदशहर से धर्मेंद्र निगम की देखिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश भागमल प्रधान है और भारतीय किसान यूनियन राजनीति का मंडल प्रभारी हूँ। क्या समस्या? आज ये प्रदर्शन हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य? समस्या ये है कि ये जो है खुर्जा क्षेत्र का करीब 2 साल पहले परसीवों में बहुत सारा क्षेत्र आया, जिसमें बरौली रोड भी आया हुआ है, नेहरूपुर आया हुआ, सिटी स्टेशन, किला, बहुत गाँव आए, जिनके विकास के लिए सरकार ने आँख बंद करके पैसा दिया हुआ है और यहाँ जो वर्तमान चेयरमैन है उस पैसे को अनर्थ जगह लुटा रहे हैं और जहाँ जरूरत सुविधाएं वहाँ मूलभूत सुविधाएं वहाँ विकास नहीं हो रहा। और कुछ इस सुविधाओं को लेकर हमने 23 मई को उपजिलाधिकारी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जो ज्ञापन दिया था और हम 15 जुलाई से वार्ड नंबर 2 भीमनगर में अनिश्चितकालीन पानी, शहर की सफाई और नालों की सफाई, ऋतुकाल चल रहा है, 60 लाख का बजट प्रति साल होता है नालों का, जो कि पूरे बजट को चेयरमैन खाने के उसमें लगे हुए हैं और अभी तक सफाई नहीं हुई है। और आज जुलाई भी 2 जुलाई हो गई है, जबकि ये जो है जून में प्रदर्शन कर रहे हैं इस पे रास्ता पे, क्या क्या परेशानी आ रही है? ये है कि बरौली एक बहुत बड़ा गांव है और यहाँ ये क्षेत्र भी मुरारी नगर में लगता है और यहाँ जो है यहाँ भी करीब 100 परिवार यहाँ रहते हैं और ये खुर्जा उद्योग नगरी है और बरौली के लोग मजदूर, पढ़ने वाले, शिक्षित बहन बेटियों का मेन रास्ता है, जो रास्ता बंद है। हम 8 दिन पहले इस गांव में आए और हम एक लड़की दिखाने आए थे तो वो लड़के वाले इस रास्ते से गए तो बोले भैया रास्ता ख़राब है, हम रिश्ता नहीं करेंगे। तो हमने उस दिन संकल्प लिया कि इस रोड को जल्दी से जल्दी सफाई कराएंगे और यहाँ जो है इस रोड को बनवाएंगे। क्या नाम है आपका? कुलदीप सोलंकी नाम है, मैं बरौली से प्रधानपति हूँ। क्या समस्या है, कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं? ये नगर पालिका क्षेत्र में आता है बरौली रोड, नगर पालिका क्षेत्र में सारे नालों में गंदगी भरी पड़ी है, रास्ते में बुरा हाल है, बच्चे पढ़ने जाते हैं 5 किलोमीटर का फिर खा के उधर से जा रहे हैं, जो इधर से जाते हैं तो कपड़े सन जाते हैं, बहुत बुरा हाल है। नालों में सब गोबर भरा पड़ा है, नाले भी नाले साफ नहीं होते हैं। कितने दिन हो गए इस समस्या को? समस्या से तो हमें ये समझो सालों से जूझ ही रहे हैं और बहुत बार हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी दे दिए हैं एप्लीकेशन, आते हैं बस उसे काटने के लिए, जेसीबी से दो चार जगह निकाले और फिर चले गए, समस्या का समाधान काट दिया। हमने 100 बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल चुके हैं, तहसील दिवस में भी दे चुके हैं। यानी कि आपका कहना है कि कागजों में कार्रवाई हो रही है? बस केवल कुछ ना हो रही, सुनाई नहीं हो रही। यहाँ पैदल निकलना दुश्वार है, आदमी जा ना सके। बरौली का सबसे नज़दीक का रास्ता यही है। मेन रास्ता ये पक्का सड़क है? बिल्कुल पक्का सड़क है, सीमेंटेड सड़क है ये। इसके दोनों तरफ नाले हैं नहीं, कच्चे नाले हैं, वो भी गोबर से भर जाते हैं और गोबर से भरने के बाद में फिर आ जाते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।